को पावन अपनी हाथी से कृष्णा वास्तुवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आप भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, आओ आप अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। प्रसंग जारी है, गीता में योग बहुत कुछ, आप योग के बारे में अपने तजर्बे रूप में भी देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, सुनने से जरा बात और भी खुल जाती है, एकाग्रता लाना मेरी देवी हो भी कौन ना बोले बच्चे। हमने दूसरे अध्याय के अनुसार ये विचार किया, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। पहला जो कहा था जो के दिल के तवाजन का ये थ्योरी है, इसको हम कहेंगे सिद्धांत ज्ञान, और ये जो अब चर्चा चल रही है ये हो गया प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान जो बाहर आ गया। जैसे बैंक में रुपया आपके 4-5-6 लाख 10 लाख पड़ा है, कुछ आप खर्च कर रहे हैं, ये रुपया का साकार रूप हो गया, उसका प्रैक्टिकल रूप हो गया, मकान बढ़िया, कपड़े बढ़िया, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, ये धन का साकार रूप। तो जो ज्ञान हमें, जो योग हमें समझ आई है, जिसके कारण सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ मान अपमान संयोग वियोग में हम अपने आप को बनाए रखने की चेष्टा रखते हैं, वो अब कर्मों में प्रकट आए। व्यवहार में भी भगवान बड़े खुश होते हैं, मेरी जबान पर विश्वास किया करो, व्यवहार में भी योग आना चाहिए, क्योंकि मालिक ने सारे जीवों को बनाया और बना के खुद करियर कर रहे हैं हमें, सारे जहां का हूं माता पिता भगवान ही तो एक बनाने वाले पालन करने वाले माँ बाप कहला रहे हैं ना, आपके बच्चों को कितना प्यार करता है, आपको कितना अच्छा लगता है। इसी तरह याद रखिए, भगवान के बनाए हुई जीवों को जो प्यार करता है, उनको दुलार करता है, उनकी सेवा करता है, उनका हितैषी बनता है, सच्चाई से काम ले रहा हूं, भगवान बड़े खुश होते हैं। शर्त यह है स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ प्यार किया जाए, निस्वार्थ हर एक का भला करने की चेष्टा की जाए, इसे बोलते हैं अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। ऐसे तरीके से योग लिया, अनेकों को लाभ पहुंचा। भगवान ने 5वें अध्याय में 12वें अध्याय में इसी बात को रिपीट किया है, सबकी भलाई में कहां रहे, फिर और हमारे जैसे कम अकलों के लिए कहा, किसी से भी आजार देता है, किसी को वो हानि नहीं पहुंचाता, खुद हानि सह लेगा। संतों की जीवनी आपने पढ़ी, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ी आपने, खुद हानि सह गए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हर एक का भला करके, हर एक को दुआएं देकर इस जहान से चले गए। क्या बोल गया मैं, हर एक का भला करके, हर एक को शुभावनाएं देकर इस जहाने पानी से कूच कर गए, और हमारे लिए नक्श कदम या पद चिन्ह छोड़ के चले गए। हम उनका लाभ उठा रही है, हम ही तो उन्हीं के मार्ग पे चल रही है ना, जिस मार्ग पे महापुरुष चले, गीता के माध्यम से, भगवान के उपदेश से, वेदों के अनुसार उपदेश से, जिन्होंने अपना जीवन बना लिया, हम भी उन्हीं के लाडले बच्चे बने हुए भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, और हम आंखों से देख रहे हैं, बड़ा आदमी जो बनाया सूल उसे सारी दुनिया करेगी कभी, कोई चारा भी नहीं, मूर्खों की बात कब तक हम नकल करेंगे, दुख पाएंगे, आखिर में पीछे हट जाएंगे। सियानों ने कितना अच्छा कहा है, काठ की हंडिया क्या बनू आगे, आपके मुंह से अच्छा लगता है, मैं इतना बोलता हूँ, काठ की हंडिया एक बारी चढ़ती है, 2-3 बार में काठ की हंडिया एक बारी चढ़ती है, इन मूर्खों के नकल करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार दुख पाएंगे, जलील होंगे, मजाल फिर नकल कर दिया इनकी। कितनी अच्छी कहावत है, काठ की हंडिया एक बारी आंच पे आएगी वो तो सड़की खोला हो जाएगी, राख हो जाएगी, काठ की है ना, पीतल की नहीं या किसी और धातु की नहीं। हाँ बाबा हाँ, इसलिए कोई इन मूर्खों की नलायकों की बार मुखियों की नकल करेगा कब तक, एक बार कर लेगा, 2 बार, आखिर में कानों को हाथ लगवा लेगा,
महापुरुष ने ठीक कहा, ठोकर खा खा ठाकर लब्बा। ऐसे जीव रोते रोते भगवान के दरबार में आते हैं कि मालका तुझे भुलाकर मैंने बड़ी ठोकरें खाई। हम अपने आप को देख ले, माँ बाप धार्मिक नहीं थे, या हमारे जहां पैदा हुए वो धार्मिक, कितनी ठोकरें खाई, बुद्धि की ठोकरें, मन की ठोकरें, तन की ठोकरें, मेल मिलाप में जो रिश्तेदारी बनी उनकी ठोकरें। दुनिया वाले तो तब तक हमें प्यार करती हैं जब हमारे से किसी को इतराज हो तो मुझे टोक ले। दुनिया वाले तब तक हमें प्यार करते हैं जब हमारे से उनको उनका स्वार्थ पूरा हो, चाहे माता जी है, पिता जी है, बहन है, भाई है, चाहे पति है, पत्नी है, कितनी हमारे खूनी नजदीकी रिश्ते क्यों ना हो, तब तक वो आदर मान देंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहे। जब भी उनके स्वार्थ को लगेगी चोट, तू कौन थे मैं कौन। गोसाई जी ने कितना अच्छा रामायण में कहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये सारा स्वार्थ के लाग के कारण है। सुर नर मुनि की ये है रीति, सुर देवताओं की भी, मुनियों के भी, इन सारों की ये रीति बनी हुई है, स्वार्थ लाग करे सब। अच्छी स्वार्थ के कारण से ही सारे जुटे हुए हैं। मैं तो आपका हितैषी हूं ना, भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरे मालिक आपको ताकत दे अनेकों का स्वार्थ पूरा कर सके। महाराज से गिर गिरा के प्रार्थना है, मेरे मालिक इतनी शक्ति या समर्थता आपको प्रदान करें आप अनेकों का स्वार्थ, भले ही नारी का चोला है, प्रभु इतनी ताकत दे दे अनेकों का स्वार्थ पूरा करें। अनेक आपको अपलक नेत्रों से देखते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अनेक आपको भी मेरे सजनों, चाहे आपका बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना है, चाहे माँ की ओर से रिश्ते हैं, चाहे बाप की ओर से रिश्ते हैं, चाहे पत्नी की ओर से रिश्ते बनाए, फिर तो साले मालिक इतने रिश्ते बनाए, सारे आपको देखती हैं क्या स्वार्थ के नाते से, प्रभु आपको ताकत दे। वरना इंसान के पास तो शक्ति थोड़ी है, उम्मीदें रखने वाले अनेक है, उस अनेक उम्मीदों के मुताबिक शक्ति तो इतनी है नहीं, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। आज का मित्र कल का वैरी, क्यों उसका स्वार्थ नहीं पूरा कर सके आप, तो वो ये तो जानते नहीं कि इसके पास इतनी कैपेसिटी भी है, इतनी क्षमता भी इस बिचारी के पास है कि नहीं। 100 दिन आपने भला किया, 1 दिन उनकी बात नहीं बनी, चल तू कौन थे मैं कौन, जो उनके मुंह में आता है बकबक करते हैं। भगवान कृपा करें आपसे जितना बन पड़े आप लगे रहे, अमल में हुनर, कर्मों में कला, कर्मों में कला। गर्मी आई प्रभाव ना पड़े, सर्दी आई प्रभाव ना पड़े, कोई बात नहीं मनुआ, भगवान ने संसार ही ऐसा बनाया। गर्मियों में हम रोले तो क्या बनेगा, गर्मी तो अपने महीने पूरे करके जाना है। सर्दी में रोले तो क्या बनेगा, सर्दी अपने दिन पूरे करके जाएगी। घर में कोई मर गया तो कोई हमारे घर में मरा है, अड़ोस पड़ोस अगल बगल नहीं मरते क्या। ये भगवान ने नियम नहीं बनाया कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। हमारी ये दुख की बात है कि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि बाखुशी कैसे जिया जाए और बाखुशी कैसे शरीर छोड़ा जाए, ये हम इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती। इसलिए किसी की अचानक शरीर छोड़ जाने के बाद हमें बहुत सदमा पहुंचता, बहुत ही मन दुखी हो जाता है। लेकिन पहले ये हम पक्का कर लें भगवान की कृपा से, गीता के माध्यम से हम ये पक्का कर रहे हैं, बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना, ये दो ही कलाएं तो गीता सिखा रही है आपको। बाखुशी जीया जाए तो कैसे, कितने साधन अच्छे, बाखुशी ये शरीर को छोड़ दिया जाए तो कैसे, कितने अच्छे साधन भगवान जी बता रहे हैं। लेकिन भगवान जी कहती हैं एक बड़ा सत्य तरीका बताया, सर्दी आई, गर्मी आई, मान आया, अपमान आया, रोग आ गए या कोई और ऐसी आ गए जो अनुकूलता नहीं प्रतिकूलता है, बेटे आपके अनुकूल कोई घटना नहीं घटी, अर्थात अप्रिय घटना घटी। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, अप्रिय घटना, अनप्लेजेंट इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट एज वेल, ऐसी घटकी जो हमारे मन को अच्छी लगी ना कुछ के बार। भगवान ने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया जो आप लाभ उठाए उठा भी रहे गए, कैफियती सहेदा खुशी से कफानी, क्या हो गया ये तो होता ही रहेगा। जैसे ये गाड़ी आई कुछ खप मचा रही है, हम महसूस नहीं कर रहे, क्या हो गया, रनिंग पोजीशन में है ना, खड़ी तो नहीं होगी वहां पर, ए आई गई तो ए लो आखिरी डब्बा आ गया, ये भी गया। दुनिया की ये चीजें तो आई और गई, आई और गई, आई और गई। ये बहुत बढ़िया तरीका भगवान जी बता रहे हैं जो आप काम में ला रहे हैं। लाओ मेरी बेटियों, खासकर जो मेरी युवतियां हैं, भरे झोपर में मेरी बेटियां हैं, लाओ इसको काम। रब ने संसार बनाया ही ऐसा है कि सब दिन हो उतना, ये हम बोलते तो हैं पर हाउ टू फेस, जब कोई दिन हमारे उल्टी पुलटी आ जाए, अप्रिय घटना घटे, हमारे अनुकूल दिन ना आए, तो हम कैसे मुकाबला करें। सिर्फ ये मन को कहकर मनवा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते,
ये पहले पक्का कर लो, चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये नियम ही ऐसा है कि बसंत का मौसम आता है उसके पीछे पीछे ही पतझड़ आ रही है। ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। घर में जब बड़ी खुशी होती है तो तैयारी होनी चाहिए, खुशी हमेशा नहीं रहेगी। हाँ, पीछे पीछे उल्टी पुल्टी बातें भी आ रही है, इसके लिए आप तैयारी करेंगे। पहले अपने आप को करिए, खुशी आई है मैं खुशी मना लूं, लेकिन बाद में कुछ चीज ऐसे देने आने लगे है कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं फिसल नहीं जाऊंगी, मैं मुकाबला करूंगी। उस वक्त भी मन को समझा दूंगी कि बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, ये दिन फिर आ जाएंगे, ये दिन नहीं रहे तो वो ये जो सख्ती के दिन आए हैं ये भी नहीं रहेंगे, ये समझा लेना। यही हमारे भगवान जी ने हमें तरीका बताया है बर्दाश्त करने का, सहन करने का। यही बार बार कह दी करो जो ऐसे दिन आते हैं, क्या वो दिन नहीं रहे मनुआ, ये दिन रहेंगे, ये भी चले जाएंगे, हौसला रख, बितारे भगवान की नजरों में गिर नहीं। ये हो गया मेरे सजनों, मेरी देवियों, अमल में हुनर हो तो समझो जरा मेरे से भगवान का फरमान, ये हमारे बहुत काम आने वाला है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाला है। कभी कुछ, संसार का नाम यही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शरीर में कभी कुछ, बुद्धि में तो भगवान करे टिकी रहे आपकी, मन में भगवान के विचार बने रहे, इससे रिश्तेदारी में कभी कुछ कभी कुछ, अपने कभी कोई जन्म ले रहा कभी कोई मर रहा है, कभी कुछ हो रहा, ये तो चक्कर चलेगा। सृष्टि एक जैसी नहीं रहती, सृष्टि का नाम अप डाउन का नाम सृष्टि है, उतराव चढ़ाव का नाम सृष्टि है। ये हमने पहले पक्का नहीं किया ना, हम सृष्टि को और समझते हैं, सृष्टि और प्रकार की है। अपनी भूल को हमेशा के लिए बाहर निकाल दो बेटी, अपने भूल का, हमने संसार को सही समझा नहीं। संसार नाम है अप डाउन का, संसार नाम है कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये भगवान खुद कह रहे हैं, एक जैसे हालात रहने ही नहीं है। सुनो ना गौर से, ध्यान से सुन लो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, हम तो दिन काट के जा रहे हैं जहान से, आपने एक लंबा जीवन गुजारना है। जहान एक जैसा नहीं रहता, जहान के दिन, जहान की सप्ताह, जहान के महीने, वर्ष, घर के हालात एक जैसे नहीं रहते। हाँ, ये मैं अनुभव के आधार पर जरूर आप सबको कहूंगा, अगर हम दिन प्रतिदिन सच्चाई और पक्काई के साथ भगवान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे दिन बहुत अच्छे कट जाएंगे। ये नहीं कि दिनों में चक्कर तो आएगा पर कम आएगा, प्रतिकूलताएं कम आएंगी, अप्रिय घटनाएं कम घटेगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने शर्त लगाई है, जहां है कृष्ण मेहरबान वही सुख शांति आराम चैन धन पदार्थ रहते हैं, और जहां जी भगवान की परवाह न करके जहान को सब कुछ समझता है, उनके लिए रब ने कहा है गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। उनके लिए आप कहेंगे क्यों गम, उनसे बुद्धि बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से गलतियां होती हैं, पाप होती है, गुनाह होती है। बेटी ऐसी मेरी बेटियां अनुचित कार्य कर बैठती है, अनुचित कर्म कर बैठती है, अनुचित विचार करती है, अनुचित संगत करती है, तो उसका परिणाम दुखी तो होगा, और फिर दुख रब को एक प्रकार का बनाया, शारीरिक मानसिक पारिवारिक। शरीर का दुख जाता है तो मानसिक दुख खड़े हो जाते हैं, दोनों नहीं तो पारिवारिक दुख बड़े जबरदस्त होती है। इन तीनों से बचने का तरीका, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से, मान लो भगवान का कहना, ये नियम है ना, तो नियम है कि सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त भी होता है। अब ये नियम है कि जो महाराज जी के ज्ञान को अपनाया जा रहा है वो सुख पाता है। ध्यान दे लो बच्चे, जैसे दो और दो चार, ये नियम है, कोई नलायक नहीं पैदा हुआ जो दो और दो तीन कहे या पांच कहे, दो और दो चार ही कहेंगे, चाहे अपनी बोली में भाषा में टू एंड टू मेक फोर कहे, या मुल्तानी डू डू चार थीन दिन सही, पांच थीन दिन तो नहीं ना, चार थीन दिन ना, हाँ ए बेन डू डू कितने थीन दिन, चार थीन दिन, तो किसी बोली में बोल लो तो चार ही कहोगे। हाँ, अब नियम है कि दो दो चार, ये नियम, इसी तरह ये नियम है जिसको मैं पक्का करवा रहा हूं, जब भगवान जी अपनी गीता के ज्ञान से पक्का करवा रहे हैं, क्या दुनिया में परिवर्तन हो के रहेगा। परिवर्तन का अगले स्थान हो तो यह तक कह रहे व्यास जी ने, परिवर्तन को ही दुनिया कहती है, दुनिया को ही परिवर्तन कहती है। अच्छा, हिला दिया मेरे गुरुदेव ने जाके अमेरिका में ये भाषण देते हुए, चेंज इज द अनचेंजेबल ऑफ नेचर। बेटी जरा पढ़ना, चेंज, हाँ बाबा, अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम होकर रहेगा। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम मतलब परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे कोई पिटे चाहे कोई कुछ हो। इसलिए महापुरुष क्या करती है, भगवान का शुक्र मना लेती है, मन को पक्का कर लेती है। खुशी आई ठीक है शुक्र मना लिया, दुख आया अपने मन को पकड़ लिया,
पर अपने दुख में अपने मन को कौन पकड़ेगा जो सुख आने पर पहले मन को मजबूत बना चुका है। ध्यान देना, सुख आने पर जो अपने मन को मजबूत बना चुका है हाँ वही दुखों में गिरेगा नहीं। तो मन बाप सुख के दिन आए, सुख के दिन किसे कहती है? अगर आपके मन के अनुकूल कोई बात हो रही है तो वो सुख होगा, आपके मन के मुताबिक किसी बात का होना वो सुखकारी। क्या ये आपके मन को तो हमेशा रहेगा? नहीं, आपके उल्ट भी तो होगा वो दुखकारी। वरना सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं बेटे, सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं। एक बड़े मजे सरगट पी रहा है, दूसरा तंग आ रहा है, यार तू तो मजा ले रहा है पर हमें धुआं बर्बाद कर रहे हैं ना। एक के लिए सुखकारी है लेकिन दूसरे के नेचर और प्रकार की है, वो दुखकारी हो गया। एक ही एक्शन इज द सेम इफेक्ट, क्या डिफरेंट? शाबाश, घर में दाल बनती है माश की या गंगा जमनी माश और चने की, ये बनी, हर एक के अनुकूल नहीं है, तीन चार तो अनुकूल है, सबके लिए नहीं है। हाँ, इसलिए माँ को जब दाल बनानी होती साथ सब्जी बनाती है। माँ हमने दाल खाते सब्जी बनी पड़ी, अच्छा माँ जरा नहीं, माँ मौका देती क्योंकि बच्चे मेरा बिगड़े या ठीक, मुझे पता है मैंने सब्जी बना दी है, अच्छा हमें सब्जी दे, हमें दाल नहीं चाहिए। और क्या कहता, रोज तो सब्जी खाती है अम्मा, हमें तो दाल चाहिए, गंगा जमनी दाल बहुत अच्छी है, गंगा जमनी दाल बहुत ही अच्छी है, बड़ी स्वादी बनती है। एक के लिए स्वादी है और एक के लिए बादी, एक के लिए स्वादी एक के लिए बादी, मतलब हवा पैदा करने वाली एक चीज एक ही है, देखो एक ही चीज। शाबाश शाबाश, इसलिए ज्ञान की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है अपने मन के तवाज़ुन कायम रखने के लिए। काका बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, ये तो गवर्नमेंट बेवकूफ है जो बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं देती। या माँ बाप को मैं क्या कहूं, माँ बापों को औलाद भी तब पैदा करनी चाहिए, माँ बाप दोनों ज्ञानवान हो। माँ ने दूध तो पिला दिया, बुच्चर बना दिया शरीर, एक एक भुजा हमारी मोटी, छातियां हमारी खिली हुई, ये सब ठीक होकर दिया, लेकिन अंदर मन में काम भर गया, क्रोध भर गया, लोभ भर गया, अहंकार भर गया, बड़ा मैं रोया हूं जंगलों के अंदर भगवान के इस सृष्टि को देखकर। ये क्या आप इतने दयालु हैं और हमारे अंदर शैतान भर जाती है, कभी काम तंग कर रहे हैं आपको, हम तंग करती हैं, कभी क्रोध तंग करता है सिर फाड़ देती हैं, कचहरियों में धक्के खाती हैं, कभी लोभ तंग करते तो हम टट्टू बन के कर्म करती हैं इतने, हालांकि घर में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है लेकिन लोभ हमें खा रहा है, कभी अहंकार हमारे पैर भी नहीं लगती जमीन के ऊपर, कभी मुंह तो हम चूम चूम के थकते ही नहीं लोग अपनी माँ को बाप को पत्नी को पति को, ये क्या बना हुआ है मेरे मालिक? भगवान कोई जवाब नहीं देते। ये ज्ञान मिल जाए तब कितना जरूरी है ज्ञान, वरना ये वृत्तियां हमें खाएंगी, ये वृत्तियां नोच नोच के खाएंगी। मैं फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं आज के प्रसंग में, बड़ी जल्दी में मेरे मालिक के नजदीक जा रही है या कल्याण के नजदीक जा रही है जो इन्हीं गंदी वृत्तियों को भगवान के ज्ञान द्वारा निकाले जा रहे हो। याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना, मेरे मालिक ने मुझे कठोर तजर्बा यह करा दिया है जो इन गंदी वृत्तियों को निकालता जा रहा है। मान लेना मेरी जबान पे, पूरा विश्वास करना, मैं आपका मियां मिठू बांडा ही तैशी हूं, मन वचन कर्म थी कैसी हूं, इन्हीं गंदी वृत्तियों को निकालते जाओ भगवान के ज्ञान से, आप मालिक नजदीक पहुंच जाएंगे। है चूंकि मन में विक्षेपता बंद हो जाएगी, विक्षेपता बंद तो मन निर्मल, निर्मल मन भगवान के युग। अभी कोई यहां आया आपका मिलने वाला है सैनी जी का, हाँ तो अब इतनी जगह भी नहीं है, भरे पड़े जगह, लेकिन कैसी बिठा लेते हो आप, जरा सा परे सरक गए, अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रख के आइए, आप बैठिए आइए, कैसे अकोमोडेट कर दीजिए, बोलते अकोमोडेट करना, आप कैसे अपने किसी जानकारी को सैली को जगह देती हो, बिमला तू आ गई, अच्छा थोड़ा सा परे हाथ जोड़ती हो, थोड़ा सा थोड़ी परे हो जा, नहीं परे फिर एक टांग उठाती हो दूसरी जान कर रख लेती हो, जगह बन गई आ जाओ। इसी तरह इन गंदी वृत्तियों को निकाल के ही हम भगवान के दर्शनों के अकोमोडेट करते हैं। कैसे अकोमोडेट हो, वृत्ति कैसे सूक्ष्म होकर तलीन हो जाए, वृत्ति तो बार मुखी है, कभी काम खींच के ले जा रहे हैं, कभी क्रोध कभी मोह कभी लोभ, ये खींचे जा रही है। वो बच्चा आपका नालायक है, अभी बाजार से आया आधा घंटा गुजरे, एक लड़का और आ गया सोनो ए, फिर थोड़ी देर बाद कोई मोहन आ गया, फिर कोई गोपाल आ गया, तो बच्चा पढ़ेगा कब? कोई ना कोई इसके यार आता ही रहता है, तो इनसे क्या होगा, बच्चा नालायक हो जाएगा, बच्चे सिरगट गंदी मदी आती शराब पीने की हो जाएंगी, चूंकि ये जो पुराने आते हैं कि ध्रुव है प्रहलाद है, बिल्कुल नहीं, दुर्योधन है दुशासन है कंस है रावण है, ये सारी जो बुलाने आती तेरी क्या है, ये कोई वो सवित्री है,
कि ये कुछ ले आए या कुछ सीता बुला ले आती है। नहीं, सारियां न कठिया स्वरूप न खाए, सारियां बार मुखी है जो बुलाने आती है। तो फिर तू कैसे बन जाएगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिनको बार बार तू बुलाने आता है तो वो बच्ची बिगड़ जाती है, ठीक है ना। हाँ बाबा, तो हमें कितनी बुरी तरह धक्के दे रही है अंदर की वृत्तियां, कभी काम खींच के ले जा रहा है, कभी क्रोध ले जा रहा है, कभी मोह ले जा रहा है, कभी अहंकार ले जा रहा है। हाय मेरे रब्बा, ऐसे इंसान का हाल आप खुद अंदाजा लगाइए। इसी से मेरे मन में बड़ी जोरदार आग लग गई थी कि ये तो कुछ ना इंसानी जीवन हुआ, अंदर तो शैतान बैठे हैं। बेटे कभी मैं आपकी ओर झुक जाऊंगा, आप मेरी ओर झुक जाए, कभी क्रोध में हम सिर फाड़ के कचहरियों में दाखिल हो जाए, कभी मोह में मैं घर से छुट्टियां ले लेके घर में बैठ जाऊं। ये वृत्तियां क्यों रब ने बनाई, कितनी गंदी वृत्तियां रब ने संसार में फैला दी। वृत्तियां क्यों बनाई, भगवान तीन गुणों से दुनिया ना बनाते तो ये वृत्तियां भी ना होती। एक गुण से दुनिया बनती, सतो गुण से। अब रब ने तीन गुण से दुनिया बनाई, तीन गुणों के साथ ये संबंधित है। हाय 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 हाय, जैसे आप सत्संग में कभी कभी मैं बिगड़ जाता हूँ, माँ बच्चों को ना लाया करो, कहाँ रखा है करो बच्चों को, बच्चे खब मचाते हैं, माँ अपने लिए तो पाप का भागड़ बन जाती, कहीं दुखी होती है, क्योंकि सारे यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आते, जीवन को लक्षण लक्ष्य सीखने आते हैं। हाँ, न लाई कर, बेबी सेंटर बन गए उनको दे आई कर, आई कर जगह जगह बेबी सेंटर बनते जा रहे हैं, लोगों ने कमाई के साधन यही बना लिया है। तो कितनी सारी बिगड़ती है, जब कोई बच्चा ऐसा खप मचाए तो बच्चा खप मचाए, सारी बिगड़ती है। हमारा जीवन कितना बिगड़ जाता है जब पांच खप मचाने वाले। काम चुप हुआ तो क्रोध शुरू हो गया, क्रोध चुप हुआ तो मोह शुरू हो गया, मोह चुप हो गया तो लोभ शुरू हो गया, लोभ चुप हो गया तो हमारा अपना पाला हुआ पालतू कुत्ता अहंकार हमें कितना तंग करता है। जिसको पातशाहियां कह रही है अहंकार या सो मारिया, हम उसी को पाले हुए हैं। जबकि भगवान कहते हैं अहंकारी आदमी कभी भी शांति नहीं पाएगा। फिर हम इनको क्यों पालते हैं। मैंने ये बकवास की भगवान के साथ एकांत में, क्या भगवान आपने ये क्यों बनाई। बड़ा रोया मेरे बच्चे, इन्हीं आगे कालके के जंगलों में मैंने जिंदगी काटी अपनी, बड़ा रोया मैंने, बड़ा रोया। मालिक ये गंदी वृत्तियां क्यों बनाई, हमें बहुत तंग करती हैं। आप तो हमारे परम पिता है, परम पिता कोई चीज ऐसी नहीं बनाता जो बालकों को तंग करे, आपने क्यों बनाई। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई, या मैं थक गया रो रो के। जब मेरे कोई वास नहीं चलता था ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, बस क्या किया जाए। मन भर आता है कि भगवान बड़े दयालु कृपालु और हमारे वेलविशर है, ऐसी वृत्तियां उन्होंने बनाई क्यों जिससे हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अगर बनाई थी तो हम लोगों को ज्ञान दे देते। हाय, अगर माने लून की खोल नहीं है, लून की डब्बी या जिसमें सारी मर्द मिसाले सारे भरे होते हैं, तो माँ अबोध बच्चों गोदी में ले, फिर इधर लून की ढक्कन खोल दिया जिसमें मिर्च भी है, मिसाला भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, इधर अबोध बच्चे को वहां बिठा दिया आंगन में, उसको हर चीज बड़ी आश्चर्य में नजर आती है। वह लूनकी के पास जाएगा, उंगलियां मारेगा बीच में, और वही उंगलियां आंखों को लगाएगा, पिटेगा जोर कहीं। तो माँ तूने क्यों खोली लूनकी, या बच्चे गोदी में को नहीं लिया, मुझे गलती हो गई। रब को कौन कह डाडे रब्बा, इंज नहीं था इंज कर, कौन कहे परमात्मा को। इन गंदी वृत्तियों से कभी सोचो ना, हम लोग जो कल्याणकामी है इनसे बचे कैसे, ज्ञान से। और कोई तरीका नहीं, जो मैंने देख लिया बड़ी प्रकार देख लिया, सारा अपना काफी जीवन लगाए बैठो मेरी बेटी इन्हीं बातों में, और कोई तरीका भी नहीं है। अब जो इनसे बचे वो परमात्मा का प्यारा बन जाए। जबरदस्त अगर भगवान के बारे में बात है तो याद रखना, मेरे तजुर्बे का लाभ उठा लेना, यही नेगेटिव क्वालिटीज जिनको हम अंधाधुंध बोल जाते हैं आरती में, विषय विकार मिटाओ। पर सोचो ना कभी, बोलने जैसे टेप रिकॉर्डर चल गया, विषय विकार मिटाओ, पाप रो देवा, तो रुक जाओ ना, रोवो। मैं हर रोज बोल रहा हूं सवेरे शाम, जाती तो है नहीं ये, मांगो मालिक से ताकत कि प्रभु ये हटाओ, यही आपको तंग कर रही है। और तंग करने से ये, जैसे कई सहेलियों आपको बार बार बुला के ले जाए तो पढ़ेगा कौन, स्टडी कौन करेगा, आपके कई गंदे बंदे मित्रों स्टडी कौन करेगा, बार बार बुलाने आते हैं, आप उनसे रोक दो कि भाई मैं ही आया करूंगा, मेरी माँ बाप बड़ा बुरा मनाते, जैसे हम लोगों ने रोक दिया था, भाई मेरी माँ बड़ा बुरा मनाती, कभी आपको नाराज करे होगी, फिर उसको कहते तेरी माँ ने अनादर कर दिया। अच्छा हाँ, हम तो अपने दोस्तों को यूं कहते थे कि बस भाई ना आया, जब आनंद तो मैं ही आऊंगा, मैं तुझे बुला लूंगा, बात कर। या हम उसके माँ बाप बुरा मना सकते थे, फिर हम लोग बड़े चलाक क्या करते थे, एक जगह बताते, मैं 12:30 बजे
फलाने चौक के परे जो है ना वो मैं वहां खड़ा हूंगा, तू भी आ जाना। हाँ ये ठीक, न तू बुला तो ना मैं बुलाऊ, टाइम मुकर कर दूंगा, घरों में मत आओ। इसलिए लेकर इनको कौन निकाले, जबकि भगवान कहते हैं इन्हें छोड़, इनमें इस श्लोक ने मुझे बड़ा रोया। तो भगवान अगर ये कहना था तो ये मृतियां बनाई क्यों, इन्हें छोड़ इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। अगर मालिक ने यही उपदेश देना था तो ये बनाई क्यों गई, हाय ये भगवान ने क्यों बनाई। कोई जवाब नहीं हो मेरे पुत्र, मैं तो बकवास कर रहा हूं, इसका कोई जवाब नहीं भगवान देते किसी ऋषि को, महर्षि को, देव ऋषि को, नहीं देते इसका जवाब। ये जरूर बताते थे इनसे बचा कैसे जाए, इनसे निकला कैसे, ये हटा कैसे जाए, ये तो बता साधन बताते हैं। इसलिए साधन जीवन में रख लो, उसके बाद क्या होगा, मन निर्मल और सूक्ष्म। जो जो मन निर्मल होता है तू तू सूक्ष्म, ध्यान देना जरा, जो जो मन बाहर जाता है तू तू क्या मल से भर जाता है और स्थूल हो जाता है, और जो जो सूक्ष्म होगा याद रखे याद रखिए इसका ध्यान बढ़ता जाएगा। हम ध्यान रखेंगे तो जो जो मन सूक्ष्म होता जा रहा है सूक्ष्म किसका मान होगा, जो जो निर्मल होगा निर्मल किसका मान होगा, जो इन गंदी वृत्तियों को ज्ञान के द्वारा निकाले जा रहा। एक एक बात मेरे से समझो तब सत्संग में आने का लाभ, गीता जी का पढ़ने का लाभ। जो जो ये गंदी वृत्तियां गई मन सूक्ष्म हुआ, मन सूक्ष्म हुआ तो निर्मल हुआ, निर्मल मन ध्यान के काबिल, जाप करेंगे तो मस्त हो जाएंगे, हाँ गीता पढ़ेंगे तो मस्त हो जाएंगे, धीरे धीरे करते 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 मालिक की जात में तलीन हो जाएंगे। इन दो गुणों को लाने में देर लग रही है, निर्मल होने में और सूक्ष्म होने में। ये खास ध्यान रखना मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे सारे भाई, मेरी सारी माताएं और कल्याणकारी मेरी देवियां, ये पकड़ लो। अगर यहां आकर के ठोस लाभ मेरी गीता जी का उठाना है तो क्या हमने निर्मल और सूक्ष्म होना है, अर्थात इनको जो बेवकूफी से पाला काम करो दिलो मोह अहंकार को, इन्हीं को भगवान के ज्ञान से वो अज्ञानता में पाला, जैसे कुत्ता पाल लेता अज्ञानता में। आप किसी डॉक्टर ने बता दिया तुम्हारे सारे घरों के ये दाने निकल आए हैं, ये कुत्ते में एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, है? वो मक्खी खाने पीने वाली चीजों में बैठी, या आपके उसी जिसम आपके जिसम पर भी आ गई, या कपड़ों पर आ गई, अब वही छुआछूत की बीमारी सारों को लग गई है, फौरन ये कुत्ता निकालो अवश्य, क्योंकि घर में पांच जीव है सारों को दाने निकल आए। ये छुआछूत बीमारी होती है, हम सांक्रामिक डिसीज या अंग्रेजी में कंटेजियस डिसीज बोलती है, सांक्रामिक बीमारी, सांक्रामिक एक से दूसरे को, तो कुत्ता नहीं रहेगा ना, कुत्ता निकाल दोगे फौरन। हमने वैर कमाया डॉक्टर, हम तो 400 का कुत्ता लाए थे, ये विशेष कुत्ता है विदेश का, हमें क्या पता 400 रुपए के लेकर के हम घर में बीमारी ले रहे हैं। इसी तरह और रब्बा हमें क्या पता अज्ञानता में थे हम, किसी गंदी वृत्तियों को रख करके हम बीमारी पाल रहे हैं, हम दुख पाल रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। रियलाइज करो मेरे सजनों कि इन गंदी वृत्तियों को पालना मानो दुखों को बुला अनजाने रूप में बुलाना, दुखों को दावत देना है, क्योंकि जहां काम करो वो लोग अहंकार है, नाना प्रकार के दुख विशेषकर आदि व्याधि उपाधि वही आ जाती है, वही सताती आके कितना काम बर्बाद कर देता है हमें, कितना क्रोध बर्बाद करता है, मोह बर्बाद, लोभ अहंकार, कितना निकालो इनको लेकर भगवान के ज्ञान से, बातों से नहीं निकलेंगे। जो जो भगवान का ज्ञान आएगा तो तू तो दो गुण बढ़ जाएंगे, विवेक और वैराग, जहां विवेक और वैराग आए वहां ये गंदी वृत्तियां टेक ही नहीं सकती। तो शमशीर तजरीद से काट तू, सुनो मेरे नेक जीवो, ओ कल्याण कामनी मेरी देवियो, हमारे देशों का आने का लाभ उठाओ, जो विवेक वैराग बढ़े ये गई, क्योंकि ये तो अज्ञानता में पलती हैं। हाँ जो जो हमने रोशनी की रोशनी वो चमगादड़ी भाग गए हैं, और वो भी उल्लू ही भाग गए हैं, वो चोर को छुपने की कोशिश करता वो भी दौड़ गया है, हाँ वो भी दौड़ा, शपाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो जो आपने रोशनी की, जो जो ज्ञान भगवान का ज्ञान हुआ, तो ये सारे जितनी भी नेगेटिव नहीं देख सकती, ये अज्ञानता में है। खुद भगवान ने कहा जहालत है उर्फा पे दुनिया गए चक्कर में, समझो अपने भगवान की वाणी, समझ ले मेरी बेटी, ऐसे स्थानों पे आकर के हमने यही तो जानना है उचित क्या है अनुचित क्या है, क्यों मैं दुख पा रहा हूं इसके कारण क्या है, और मैं हमेशा के लिए सुखी होना चाहती हूं या चाहता हूं तो कैसी हो जाऊं। ये जवाब मिल जाए फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, फिर हम अपने साथ वैर नहीं कमाएंगे। ऐसी बातें जान जरूर जान लेना चाहिए, बड़ी जल्दी हम अपना कल्याण कर लेंगे। जैसे गुरुदेव ने हम लोगों को जगा दिया, समझा दिया, रियलाइज करवा दिया,
हम बढ़ निकले कि ठीक है गुरुदेव ऐसा ही होगा, इस तरह अब नहीं हम अपने आप को तबाह करेंगे। इसी तरह जान लो मेरे बच्चों अपने भगवान जी से, जान लो बड़ी जल्दी जान लो मान लो, फिर पहचानने की भी कोशिश कर लेंगे। पहले हम जान ले मान ले गंदी बच्चों को निकाल दें, फिर अब क्या घर में गली में मोहल्ले में दफ्तर में, क्योंकि अब तो मेरी बेटियां भी काम करती हैं हर जगह जाके, हर एक जगह आपको का पहले नारी चार दीवारी थी और आज नारी तो चार दीवारी को तोड़ के बाहर आ गई है, बाहर जा रही है, जगह जगह काम करना पड़ता है आपको, जगह जगह मेरे भाई तो पहले करते ही थे, अब आपके साथ वो भी काम करती हैं, जुट गई हैं। लेकिन तरीका तो सीखे ना कि बाहर जाकर के काम का प्रभाव ना पड़े, क्रोध का कोई चंद्रा मिलेगा तो क्रोध ना आ जाए, हाँ वाह मुझे बड़े प्रलोभन बार मिलेंगे मन में लोभ भी ना हो जाए, है कई नारियों के साथ मुझे काम करना पड़ेगा, मेरे मन में आग ना लग जाए भड़क ना जाए, हालांकि मैं शादीशुदा हूं किसी और की तरफ ना मैं चाहने लग जाऊं, मैं शादीशुदा हूं किसी नर को इस रूप में ना देखने लग जाऊं। कितना संपर्क करना पड़ता है आपको, छह छह सात सात घंटे आपको बाहर नरों के साथ और आपको नारियों के साथ काम करना पड़ता है, हाँ कितनी जगह जाना पड़ता है, और कई बड़े चंद्रे होते हैं रजोगुनी, बड़ा गंदा बंदा बोलते हैं, मुंह से गालियां भी दे देती हैं, सारे आपके अनुकूल थोड़े भी लेंगे, कोई खाम खाई आप कुछ भी नहीं कहती तो भी आप अड़क मार देंगे आपके साथ, क्या करोगी बात बात में लड़ती रहोगी क्या, जब खाड़े से वड़ना तो फिर छींटे को डरना, जब तू दफ्तर में काम करने लगी है तो फिर छोटी मोटी बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जो वो ध्रुव प्रहलाद थोड़े बैठे हुए हैं, वो सारे संसारी आदमी है। शाबाश शाबाश, एक मेरी बहन ने मुझे बताया, मैं बड़ी रोई बाबा मैं बड़ी रोई, क्यों क्या बात, मैंने कहा शैतान कहीं का, फिर मैंने उसे कहा उसने मुझे आना एक अकड़ मार दी जोर की, शैतान कहीं का, फिर जो उसने जवाब दिया मैं बड़ी रोई, तू भी अच्छी होती तो दफ्तर में ना आती, मतलब शैतान तू भी है, अब मैं क्या जवाब देती, देख लो मेरे बच्चे देख लो, अगर मैं शैतान हूं तो तू भी कम नहीं है, यहां तो मेरे शैतान ही सारे इकट्ठे होंगे। हाय मेरे रब्बा, मैं घर में आके बड़ी रोई, सोच रही हूं कि मैं छोड़ दूं नौकरी, देख लो मेरे बच्चे फिर आप कैसे हो, जब तक ये ज्ञान पक्का ना किया जाए और आगे कोई कहीं कभी कुछ कहीं कभी कुछ कहीं कभी कुछ कहीं, तो भगवान क्या कह रही है अमल में, या तो आप मिलते एकांत में रहते, वो भी नहीं, ऐसे संस्कार तो हो नहीं सकते कि एक जगह हो जाए बस, कहीं आना नहीं जाना नहीं लेना नहीं देना नहीं, राग नहीं द्वेष नहीं, धी देनी नहीं नौ लेनी नहीं, ये तो फिर कोई कोई ऐसा होता है ना, आपको तो धी भी देनी नौ भी लेनी, अभी दो पुत्र आपने ब्याहे हैं, शुक्र है तेरे पास नहीं रहते, शुक्र मनाया कर के बाहर ही अपने उन्हीं के साथ मस्त रहे, कितनी खप लड़कियों के ब्याह करने हैं, योग्य वर नहीं मिलते, हाँ आपके अंदर वलवले उठते हैं मन में, तो आप हुनर हो ये तो मैंने मुकाबला करना, कोई चारा भी तो नहीं आपके लिए, ये उधर कहा था दिल के तवाज़न का है नाम योग, व्यवहार कहते हैं ये तो थ्योरी हो गई, इसको प्रैक्टिकल रूप दो, इसको व्यवहारिक रूप दो, अमल में हुनर हो, जब मैंने अनेकों के साथ व्यवहार करने तो अपने आप को सिखा लो, आप दूसरे को सेफ्टी ये नहीं कहते ये बकवास क्यों की बेटे, आप उसको नहीं कहते वो तो करेगा, उनमें रजोगुण बढ़ा हुआ आप सतोगुण है वो तो ऐसा करेगा, आप उल्टा लो कि मैं सैनिक की ताकत पैदा करूं, कितनों को मार लेंगे भले या पुलिस में आए थानेदार है ये थानेदार तो बड़े बन गया है, ए सेठ जी राम राम, भले ही आप बड़ी अच्छी नौकरी पे आ गई हो लेकिन बच्ची कैसे करोगी, यहां तो पांच उंगलियां बराबर नहीं है, रब ने उंगलियां भी छोटी मोटी बना दी, कैसे ये अंगूठे जी महाराज बन गए, ये जरा ये और बड़ी बन गए, जरा नीचे ये सबसे छोटी बन गई, सियाने कहते पांच उंगलियां बराबर नहीं, सारे आदमी बराबर नहीं होते, कोई कैसे कैसे कैसा, हम गलत तो उम्मीद रखते हैं इसलिए ऐसा क्यों कहा। पुराण में घटना ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना पुराणों में वहां लिखा हुआ है, व्यासी कहते हैं एक बार नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, सुनो मेरे सज्जनों मेरे देवियों, अच्छा बाबा क्या हुआ क्या हुआ, उन्हें एक जगह बड़े दर्द भरी रोने की आवाज आई, नारद जी ने जरा रुका और देखा क्यों रहा है, एक नारी हां अपने पुत्र के शीश को अपनी जांघ पे रखे हुए जार जार रोई जा रही है, नीचे उतरे प्रणाम किया, देवी आप कौन है, नारद ऋषि जी प्रणाम, क्या बात इतनी जोर जोर रो रही है, यहां एक सांप रहता है जंगल में, हाँ मेरा पति लकड़ आ रहा था, हाँ वो रोज लकड़ियां काटने आता था, हाँ एक बार वो दरख्त पे चढ़ने लगा नीचे सांप ने काट लिया वो मर गया, अच्छा हमारा यही गुजारा था,
फिर मेरे छोटे पुत्र में उसके साथ आती थी, वो इतना बड़ा तो था नहीं, कुछ वो काटता हम कुछ मैं काटती, फिर हम गुजारा कर रहे थे। बहुत अच्छा, आज उसको भी सांप ने काट लिया है। वो उसके काटने की देर होती है, दूसरे को घास आ जाती है, मुझे जाग निकलती है, मर जाता है। अच्छा, कहाँ गया सांप, इधर कहीं चला गया? अच्छा, मंत्र पढ़ा नारद जी ने और सांप मंत्र से कीला हुआ बाहर निकल आया। नारद के मन में जो आया शब्द कठोर कहे, और वो अपनी फन बेटी ये कोबरा फन अपना फैलाए हुए सिर झुकाए रखा। उसके बाद नारद ने ताकत दी के इंसान की बोली में बोले, तो उसने प्रणाम किया, ऋषिवर के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ और भी कहना हो तो कह लीजिए, मैं तो आपके चरणों का बच्चा हूं। तू तो क्यों ऐसा जुल्म करता है, उसके पति को भी मार लिया और उसके पत्र का गुजारा था उसको भी मार लिया, कह लो ऐसा क्यों किया तूने? उत्तर देने की आज्ञा चाहता हूं। हां उत्तर दो, पहले आप देखो मैं कौन हूं। तू सांप है तो आप तो भगवान के पास जाती हैं, मैं जा ही रहा था, तो मैं सांप हूं ना, और सांपों में भी कोबरा मतलब छज्जी वाला सांप। हां तो फिर भगवान ने हमारे अंदर जहर भरी है। हां तो फिर भगवान नारायण से जाके कहना, फिर नारायण हमारे से उम्मीद क्या रखते हैं, हम अमृत देंगे सारों को, हम तो जहर ही देंगे, ध्यान दे रहे थे। नारद जी जो आप क्रोध कर रहे हैं और कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप मेरे से उम्मीद क्या रखते हैं, जब मालिक ने मेरे जबड़ों में भरी जहर है, मैं अमृत कहां से दूं? नारद जी जी के चुके प्रणाम किया, प्यार किया, वो बोले तूने बहुत अच्छी बात कही, जब भगवान ने भरा ही नहीं, मेरे रजोगुण है और रजोगुण का जहर, तो हमारी नारद जी की गलती कहूं तो उनसे उम्मीद क्या रखती है, उसने जहर ही देनी है ना, जने करे को अमृत कहां से देगा। ठीक है, मैं जो कुछ कहा मैं शब्द वापस लेता हूं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस तरह अगर नारद जी कहती है, उन्होंने शिक्षा देनी थी कि तुम रजोगुणी जीवों से उम्मीद क्या रखते हो, तमोगुणी रजोगुणी बार मुखियों से क्या उम्मीद रखते हो, गलती हमारी की गलती उनकी, गलती नारद की गलती कोबरे की, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, तूने क्यों काटा, तूने जहर क्यों दी, तूने उसके पति को मारा, तूने उसके बेटे को खा लिया, कहां से वो रोटियां गुजारा करे, पता नहीं क्या मन में आया, नारद बोलता गया विदाउट ब्रेक। हाँ, और सांप के इतने जवाब ने नारद को लज्जित कर दिया, नारद जी मैं अमृत कहां से दूं, नारायण से जाके कौन हूं, मेरे अंदर जहर क्यों भरी है, जो आप उम्मीद रखते हैं वही मेरे में भर दे। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक कहते हो, गलती मेरी थी, तो गलती आपकी होती, इसने मुझे छेड़ा क्यों, इसने मुझे गाली क्यों दी, उससे उम्मीद क्या रखती है, तुम दुर्योधन जैसे से क्या उम्मीद रखती है, दुशासन जैसे से क्या उम्मीद रखती है, हाय हाय, आप ऐसे बार मुखियों से क्या उम्मीद रखती है, परले दर्जे के स्वार्थी हैं, वो अपना लाभ पहुंचाने के लिए 10 को नुकसान पहुंचाएंगे, तूने ऐसा क्यों किया, उम्मीद क्या रखते हो काका, वो रजोगुणी है, वो बार मुखी है, वो लोभी लालची लंपट कमीना गंदा बिल्कुल ऐसे अवगुण वाला है, उसे उम्मीद क्या रखते हो। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा, सहेजा खुशी से कि फानी है ये। अब ऐसे मौके पर ये विचार काम में आएंगे तो क्या होगा, अमल में हुनर हो तो कहलाए जो, हम उस वक्त बिगड़ जाए तो फिर हमारे गीता सुनने का फायदा, हमारे योग कमाने का फायदा, अगर उस वक्त बिगड़ गए तो ना बिगड़े, इसलिए तो हम ये महाराज जी की वाणी सुनते हैं, उस मौके पर हम कामयाब हो जाए, 10/10 नंबर ले, उस मौके पर हम उसके स्टैंडर्ड में ना उतर आए, उसके स्टैंडर्ड में ना उतर आए, उसका सतार तो है ही गंदा, हम तो अपना सतार हायर बनाए, हायर जी, अगर दोनों एक ही बराबर पर आ गए तो बस फिर काम खराब हो गया, फिर तो काम बिगड़ गया। और पुराण में घटना आगे आती है हमें शिक्षा देने के लिए, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, अचानक उनके शाम के सवेरे के प्रभात समय का समय जाप करने का हो गया, तो वो पहले देखे साफ सुथरी जगह है, लेकिन वो तो धोबी घाट था, वहां पर खड़े होकर के जाप करने लगे, इतने में धोबी भी आ गया, वो घंटा खड़ा रहा के महात्मा जी का पाठ पूरा हो जाएगा, उन्होंने जाके हाथ जोड़े, मां पूछो थोड़ा सा परे हो जाओ, मैं भी अपने कपड़े धो के अपनी रोटी कमा लू, नहीं माने, फिर उसने बहुत कहा नहीं नहीं, आखिर में उसने क्रोध किया धोबी ने, क्रोध करने के बाद उन्होंने कहा आप हटते हो कि नहीं, अनादर किया, फिर भी नहीं हटे, उन्हें दो मारे मुक्के, वो गिरे,
उन्हें एक मारी जो है टांग जोर की, क्षमा करना महात्मा शब्द लगा रहा हूं उनको, और फिर उनको क्रोध आ गया महात्मा को। अब उन्होंने भी दो मुक्के धोबी को मारे, सेहत अच्छी थी। अब धोबी क्रोध में आ गया, उसका लड़का भी आ गया, उन्हें पिटाई करनी शुरू कर दी। लड़के पीछे हट गया, उसने बाप ने धोबी ने और मारना शुरू कर दिया। अब इसको दर्दी हुई, अब उसने दोनों हाथ उठाए, परमात्मा मैं तेरा भजन भी करूं, मैं तेरा सिमरन भी करूं और मुक्के खाऊं और मार खाऊं। जवाब आया, मैं तो भाग के आया था तेरी मदद करने के लिए, पर जब तूने मुकाबला करने शुरू कर दिया, मुझे अब ये समझ नहीं आती धोबी कौन है, महात्मा कौन है, महात्मा कौन है धोबी कौन है, धोबी कौन है महात्मा कौन है। मुझे ये समझ नहीं आती कि धोबी कौन है और महात्मा कौन है, और महात्मा कौन है धोबी कौन है। मैं तो इसकी चटनी बना देता अगर तू हाथ ना उठाता। अब मैं कैसे डिस्टिंग्विश करूं कि दोनों में धोबी कौन तो महात्मा कौन। तू तो इसी के सतर पे उतर आया, इसी के स्टैंडर्ड में आ गया। हाय 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 देवी, अगर मौके पर हम फेल हो जाए तो गीता सुनने का, पढ़ने का और भगवान के ये कहने का फिर मतलब क्या होगा? फिर तो हम तो पखंडी बन गए। भगवान ने क्या कहा, अमल में हुनर हो तो कहलाए। वो तो सिर्फ योग हमारी बुद्धि में बैठ गया, योग हमारे बत्ती दांतों में आ गया, योग हमारे कंठ में, तालु में, मूर्धन्य में आ गया, योग हमारे अंदर आया, बाहर तो नहीं उतरा। अरे मानो धन हमारे 2-4 लाख बैंक में जमा करवाया लेकिन बाहर तो नहीं आया। मकान नहीं अच्छे बनाया, खाते अच्छे नहीं है, कपड़े नहीं अच्छे पहनते, तो इस धन का क्या, धन का 10-10 नोट, धन का मतलब नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, धन का मतलब जरूरियाती जिंदगी का साधन। तो जरूरियात साधन तो आप पूरा नहीं करते, और वह कहते मैंने बड़ा धनाढ्य हूं, मैं सेठ जी हूं, लाना पैसे सेठ जी को लाना। जब धन को खर्च नहीं करना, फटे हुए कपड़े जाए अपनी धोती देखो, जब देख कितने हैं, 5-6 रोशनदान है धोती में, और कमीज में, कमीज में 4 रोशनदान। रोशनदान समझती है ना, फटी हुई है नहीं। तो फिर ऐसे धन का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो आपको आपको ज्ञान मिला, हाँ, आपको जाप मिला प्रातः काल, हाँ, आप पढ़ते भी हैं, दिल के तवाजन का है नाम योग, दिल के तवाजन, और मौके पर ज्ञान नहीं काम आया। सियाने क्या कहती है, जादू वो क्या बोलू जो सिर चढ़ के बोले, बेटी ओए जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो मुसीबत के वक्त काम आ, जो कि प्रतिकूलता हो रही हो, उल्टे पुल्टे हालात हो रहे हो और ज्ञान काम आ जाए, तब तो ज्ञान कहा जाएगा। ज्ञानी भुगते, ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोई, तब तो हम माने के वाकई में ज्ञान मानू, मैं योग का लाभ उठा रहा हूं एट दैट वेरी टाइम। तब सिर्फ दोस्त के लिए कहा गया है, दोस्त वो जो आड़े वक्त काम आए, नहीं, इससे पहले ये कहना चाहिए, ज्ञान वो, योग वो जो आड़े वक्त काम आए। जरा उससे पहले ये कहना, ये देखो मेरे भगवान ने क्या कहा, ये श्लोक दिन में एक बार तो बोला करो, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका गाप हो गया। कितना प्यारा बोला है भगवान का, मैं भी लाभ उठा रहा हूँ, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप भी लाभ उठाओ। सत्संग के तो यही लाभ होता था, आजकल पता नहीं ये ऐसे सत्संग क्यों उड़ते जा रहे हैं, संप्रदायता बढ़ती जा रही है, अलग 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 गुट बन गए, अलग अलग धर्म मजहब बन गए, अलग अलग अपनी अपनी बोली बोलने लग गए। आजकल धर्मस्थानों का क्या हाल हो गया है, अपनी अपनी डफली, तो आगे क्या बोलू, अपना अपना, हाय मेरे रब्बा, अपनी अपनी डफली तो अपना अपना रहा, वरना क्या था, मजहब तो सार का मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2-3 ना 4 होंदे, सानिका कह गए मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2-3 ना 4 होंदे, मजहब खातर लड़ते रहनो दिला, बेड़े उन्ना दे कदी ना पार हो। मजहब तो हमें ये बातें सिखाता था, आपस में प्यार रखना, उल्टी मजहब का लड़ाइयां झगड़े फसाद, ये वो कमबख्त है जो मजहब के आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपनाने वाले नहीं है। अगर महापुरुषों की बातें अपनाई जाए तब तो वो मजहब कहलाता है, तब वो धर्म कहलाता है। महापुरुषों की बातों को अपनाया जाए तब वो धर्म कहलाता है, वरना फिलॉसफी, मेरे से जानो धर्म फिलॉसफी क्या अंतर है। धर्म की जानकारी हो तो फिलॉसफी, फिलॉसफी जीवन में उतर आए तो मजहब, जानकारी, हमें जानकारी है कि हिंदू धर्म ऐसा होता है, ज्ञान ऐसा होता है, भक्ति ऐसी होती है, लेकिन हमने जीवन में नहीं उतारा। जब जीवन में उतारती है तब वो धर्म कहलाता है, और जब केवल जानकारी, आजकल जानकारियां केवल है,
पर उतारा हुआ नहीं, यानी हमने व्यवहारिक रूप नहीं दिया, व्यवहारिक रूप देने के बाद ही वो धर्म कहलाता है। शाबाश शाबाश शाबाश, व्यवहारिक रूप देने के बाद नहीं कमली नहीं कमली बाबा, हाँ तू क्या कहती है, मैं लड़ती हूं तो मुझे मां कहो, वाह नहीं झल्दी तेरी जैसी तो कोई भी नहीं देखी, क्यों मेरी शादी नहीं हो गई और मुझे गली मोहल्ले वाले मां कहे, मैं कैसे मां कहे, नल कुनली कहे की क्यों मेरी शादी हो गई किसी पुरुष के साथ तो मैं मां बन गई ना, मां कैसे बन गई, तुझे कहने की जरूरत है जब तेरी गोदी में बच्चा आएगा ना सब तुझे मामा कहेंगे, हाँ अब तू बच्चे की मां बन गई, अब तू बच्चे की मां बन गई। हाँ इसी तरह सारे मुझे मजहबी मजहबी कहे गलत, जब मैं अपनाने वाला बन जाऊंगा ना तब भगवान ही अपनी भुजा उठाएंगे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, और ये वही व्यवहारिक जिसने व्यवहार में भगवान को उपदेश लाया है उसी के लिए रब कह रही है अमल में हुनर हो तो कहलाए, नॉलेज लाइफ बिकम्स ए प्रैक्टिकल शेप। मेरे मालिक बड़े खुश होते हैं जो भगवान के उपदेश को व्यवहारिक रूप देते, आज वो काला वक्त है, जबान में तो बोली जा रही है वाणी अमल में नहीं, एवरीडे लाइफ में नहीं उतारी जा रही, आप इसमें कोई भी ना बनना है, कोई भी मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चे मेरी माताएं मेरी नेक बेटियां ना बने जो सुनने का शौक रखे अपनाने का नहीं, उनको मेरे भगवान ने बड़ा गंदा शब्द कहा है, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार भगवान की डिक्शनरी में मक्कार कहलाते हैं, जिनकी जानकारियां तो है लेकिन अपनाया नहीं गया, और व्यास जी ने मक्कार नहीं कहा, व्यास ने कहा भार भाई गर्दभ है, बोझ उठाने वाला गधा, जिसके ऊपर बड़ी कीमती चीजें हैं लेकिन बोझ से मर रहा है उसकी कीमत को नहीं जानता, गधे के ऊपर सोना लदा हुआ बोझ से मरेगा ना, सोने की वैल्यू नहीं जानता, इस तरह अनेक को जानकारियां शास्त्रों की हो महापुरुषों की हो लेकिन अपनाया हुआ नहीं, तो व्यास जी उससे भार भाई गर्दभ ना कहे तो क्या कहे, बोझ उठाने वाला गधा, इसका एक शब्द बोलो, बोझ उठाने वाला गधे का एक शब्द टट्टू, अच्छा जो बोझ उठाते तो टट्टू बोलती है डबलटा टट्टू, वो टट्टू है शास्त्रों का, क्योंकि वक्त आने पर वो क्या बोल जाता है, जब भी कोई कष्ट आया कोई मुसीबत आई कोल्ड कोल्ड बात आई तो कुकड़ू कू बोल जाती है उसकी, कुकड़ू कू नाक से निकलता है धू, मेरी भी लाज रखना अपनी भी लाज गीता जी की भी लाज इस स्थान की भी लाज रखना, योग कब कमाया गया अमल में हुनर हो, एवरीडे लाइफ में हम दिखाएं, चूंकि कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लाज रखना मेरे सजनों, आपको सब गली मले वाले धार्मिक कहने लग गए, भगत जी कहने लगे रोज आते हो, सारी भक्तानियां भक्तानियां कहने लगी है, चाहे कोई ताने से कहे चाहे वैसे कहे अपनी लाज रखना, बच्चा तक भी आपको ताने मारते हैं, माँ बच्चे ने क्या कहा, बच्चे को मैंने एक दो बार कहा बेटी ये जो है ना वेलना अंदर से ले आ, नहीं माना, मैंने दो मारे थप्पड़ क्रोध किया तो उसने मार करके कहा अम्मा अम्मा ये वीर जी सत्संग जानी है, क्रोध भी करनी है सत्संग भी करनी है, तो मैं तो रोने लग गई, मैं तो शर्मिंदा होगी, क्या छोटा सा बच्चा चौथी जमात वाला ये क्या कहता है, ये कथा सुनने जानी है क्रोध भी करनी नाले मारनी नहीं है, हाय रपा गई ना मेरी भी लाज और आपकी भी लाज, ये कथा सुनने जानी है ना बाबा, मैं तो कन्ना नु हाथ ला लिया बच्चे ने गोदी में ले लिया और चूम लिया कि बच्चे आज तो माफ कर दे, फिर नहीं कमाली, ये तू नहीं बोल रहा ये तो कोई और शक्ति तेरे मुंह से बोल रही है, फेल हो गए ना, किस लिए फेल हो गए, अमल में हुनर नहीं दिखाया, अमल में क्रोध दिखाया, अमल में कला नहीं, छोटा सा बच्चा भी कह रहा है ये सत्संग सुनने जान दे हमारे पल्ले क्या रहा अगर तू ये कह दे तो, जरा सा हम दुर्व्यवहार करें हमें नहीं शोभा देता, क्यों हम कल्याणकामी है, सबको पता लग चुका है कि आप महाराज जी की वाणी सुनने जाते हैं, सबको पता लगे ये छुपाया नहीं छुपता, इश्क और मुश्क छुपाया के नहीं छिपे, हाय आप प्याज काट रही हो छिप जाएगा क्या प्याज, उसकी गंध दूर दूर जाती है, और आप मेरे भगवान से प्यार कर रही हो ये छिप जाएगा, सामने कितना कहा इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छिपते, कबीर जी तो और भी कदम 10 बढ़ गए आगे है, हाँ कहो कबीर सुनो मेरे सजनों आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, कहे कबीर सुनो ध्यान से बाबा क्या कबीर कह रहे हैं, कहे कबीर कैसी छिपे ये बातें कैसी छिपे, ये रूई लपेटी आग, हाय 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 हाय, कहे कबीर कैसे छिपे ये रूई लपेटी आग,
ये तो रुई में किसी ने अंगारा छिपा दिया, छिप जाएगा, भ्रमर भड़केगा, या प्रेम छिप जाएगा, ये योग छिप जाएगा, कहे कबीर कैसे छिपे, आगे बोलो ना। ये रुई लपेटी आग, दृष्टांत देखो कितना अच्छा, तेरी मां नहीं दे सकती ये दृष्टांत, ना तेरा बाप ना श्रीमान भी दे सकते हैं। कहे कबीर कैसे छिपे ये रुई लपेटी आग, ये कैसी तो भड़क उठती है, हाय ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। लाज रखो, योग को अपने क्रियात्मक रूप में ले और भगवान से ताकत मांगो। मैं आपके हाथ में दुआएं कर रहा हूं, मेरी भगवान जरूर लाज रखेंगे, है पक्के हो जाओ, बहुत पक्के। मेरी भगवान आगे चल के कह रही है, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, इनका असर ना हो। आप अपने पक्के रहो, खूब दृढ़ रहो। अगर आप प्रातः काल नहीं उठ के हाजिरी दे रहे, जरूर दो भगवान को हाजिरी, मेरे भगवान आपके मन को पक्का कर देंगे, आप वर्ल्डली प्रूफ बन जाएंगे। अंग्रेजी के शब्द बोल रहा हूं, वर्ल्डली प्रूफ क्या होता है बाबा? कभी छाता आपने पहना? हाँ, काले रंग वाला छाता, अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, सन एंड रेन प्रूफ। सन मैंने सूरज, रेन मैंने बरसात। सन सूरज की चिलचिलाती धूप की श्वाएं अंदर नहीं आएंगी, और पानी की बूंद भी अंदर नहीं आएगी, तो कपड़ा प्रूफ हो गया ना मेरे बच्चे, सन एंड रेन प्रूफ, जिसका असर अंदर ना पड़े। हाँ, इसी तरह जब योग ठीक कमाया जाए तो वर्ल्डली प्रूफ, संसार की बुरी वृत्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। छाता होता है सन एंड रेन प्रूफ, और योग होता है वर्ल्डली प्रूफ, संसार की गंदी वृत्तियों का प्रभाव ना पड़े। भगवान तो भगवान करे हम वर्ल्डली प्रूफ बन जाए, ये तो होगा, संसार में चलेगा। संसार की गंदी वृत्तियों को हम बंद नहीं कर सकते, हम अपने पर असर ना हो ये कर सकते हैं। ये है जो मां पुरुष बता गया, संसार में काम करो, द्रोह अहंकार ना हो, ये कभी हो सकता है बेटे? ये रहेंगे, हमारे पे असर ना हो, शाबाश मेरी बेटी शाबाश, हमारे पर प्रभाव ना पड़े। ये शराब के ठेके खुलते रहे, सिनेमा हॉल नए नए बनते रहे, क्लबे नई नई खुलती रहे, पार्क नए नए बनते रहे, जो कुछ होता हमारे पर प्रभाव ना पड़े, तो हमारे लिए जैसे पार्क हुए ना हुए, हमारे जैसे थिएटर हुए ना हुए। हाँ, ये हम कभी कह सकते हैं कि थिएटर ना बने, सिनेमा हॉल ना बने? वो तो बनते रहेंगे, वो तो होता रहेगा। हम अपने मन को ज्ञान से समझा देंगे, हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता। इस अवस्था में जब मन हमारा अंतर्मुखी हो जाए, संसार में कुछ भी होता रहे, तो व्यास जी आपको कहती है, मन जीते जग जी। वाह, बड़ा नालायक था सिकंदर जो दुनिया को जीतने गया और रास्ते ही मर गया। दर्द भरी उसकी कहानी सुनी आपने, इतना सोना, इतनी सुंदर सुंदर औरतें छीन के ले जा रहा था भारत की, रास्ते में बुखार चढ़ा, बुखार बढ़ गया, हकीम दवा करते रहे, मर गया। हाँ, क्या मिला उस नलायक को? दुनिया जीतने आया था, लेकिन आप ये कहती हैं दुनिया तो उसने जीत ली। हाँ, जिसने अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया। ना भूलना नेक थी, वो मन जीते जग जीत, जग जो जीता अस्त्र शस्त्रों से वो नहीं जीता गया, वो फिर वैरी पैदा हो जाएंगे। हाँ, अगर सिकंदर दोबारा आता तो मुंह की खा के जाता, पर मौत ने मिट्टिया मेट कर दिया, क्योंकि काफी से बददुआएं ली थी उसने, नलायक ने बड़ों को बददुआ, तो बददुआ रस्ते में खा गई, अपने देश भी नहीं पहुंचा, रस्ते ही मारा गया। तब और रोया जब शाही हकीम ने कहा, महाराज अब आप नहीं बच सकते, अब आपके श्वास बिल्कुल डाउन जा रहे, मैं मर जाऊंगा, और इतना खजाना, ये इतनी सुंदर औरतें जो मैं छीन के लाया, और इतना गंज जो धन लिए जा रहा हूं, ये इतनी बेवा कुछ इतनों को रुलाया पिटाया, जबरदस्त छीना, ये इतने जो मैं पत्नी बनाई फिरता हूं, ये इतनी रोई करे, हमें ना ले जाओ, ना ले जाओ माँ बाप से, मैंने इनकी एक नहीं सुनी, ये सब यही रह गया। उस वक्त कहता, मैंने बड़ी भारी बेवकूफी की, बड़ी भारी बेवकूफी। एक कहता हूं शाही हकीम, क्या जब मैं मरूं कफन से मेरे हाथ दोनों बाहर निकाले। नारायण सिकंदर जो के बाहर मुखी था, तो भी आखिर में उपदेश दे के मरा, क्यों साहब, क्यों ऐसा क्यों करूं, ऐसा कि मैंने बड़ी बेवकूफी की, ताकि बाकी कोई मेरी जैसी गलती ना करे, क्यों, मैं सबको पता लग जाए कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, मेरे हाथ खाली है। आज भारत का बच्चा बच्चा बोलता है, ना वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे, कई देशों के मालिक बन गए थे, ना वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे। वो देखो सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली।
ताकि हम लोग न कामी बने, न क्रोधी, न मोही, न लोभी, ये मौके पर काम आए। सदाना कौन जिसने मन को जीत लिया, न कि सिकंदर के थे दुनिया का तय मेश कर रुला पिटा, वो नहीं। मन तो ज्ञान से जीता जाता है ना, जब ज्ञान मन को समझा देता है बेवकूफ जो तुझे चाहिए वो तेरे अंतर में है, आराम चैन करार मुक्ति सथाई शांति तेरे अपने भीतर में है, अंदर ढूंढ तो बाहर नहीं। तो संसार में कुछ भी होता है हमारी तमन्ना ही नहीं, हमारी अब इच्छा नहीं होगी, संसार शर्मिंदा हो गया, बीती संसार बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, बिल्कुल शर्मिंदा, आहा बिल्कुल शर्मिंदा। हम ही ना चाहे तो इसकी वैल्यू कोई नहीं, हम चाहते हैं तो संसार लाख का, हम ना चाहे तो संसार परमात्मा के समय ठीक कह रहा हूं, हम चाहे तो संसार की चीजें लाख की बनती है, हम ना चाहे तो ये कख की धक्के खाती रहेंगी। डिमांड एंड सप्लाई, ये नियम है परमात्मा, जैसी मांग वैसी पूर्ति। लव मेरे भगवान के ज्ञान को, प्रातःकाल उठा करो अपने योग कमाया करो, अर्थात बैठ गया और जाप में लग गया, भगवान ताकत भर देंगे। मैं देखे बैठा हूं मेरे सज्जनों मेरी देवियों, उठा स्नान किया पेट पुर साफ किया दातन कुल्ला करके शारीरिक रूप में पवित्र हो गया और बैठ गया और मालिक से कहा लो मेरे मालिक शारीरिक रूप से मैं पवित्र हो गया हूं, अब मानसिक रूप में आप मुझे पवित्र करो, ऐसा जरूर कह दिया करो। मैं शारीरिक रूप में पवित्र हो गई हूं मेरे इष्टदेव, अब आत्मिक रूप से मैं आपके दरबार में बैठी हूं, आपको अपनी हाजिरी दे रही हूं, अंदर से आप पवित्र करो क्योंकि आप अंतर्यामी है। मैं तो बाहर से स्थान और ये शरीर साफ कर सकती हूं, अंदर तो आप रहती हैं, मेरे अंतःकरण को निर्मल कर दो। आज कल परसों लगातार बैठोगे तो क्या होगा, दिल का मजबूत, अगर योग वो यूं मन उसका काबू में आता। करो तरीके में बताता हूं, भगवान जी के करने वाले आप बनो। मैं आपको साधन जी छुपे हुए जो भगवान की गीता जी में मैं प्रकट करता जा रहा हूं, आप फौरन अपना लिया करो, फौरन उसी वक्त अपना लो कि बस अब ये बात मैंने अपना ली, अब ये बात मैंने जीवन में ढाल दी। कितनी मौत बाहर, कितनी आपके अच्छा रहेगा। परमात्मा आपको ताकत दे, मेरी देवियों मेरे सजनों अपनाते जाओ, जीवन में ढालते जाओ, वही आपको शक्ति दे रही है। मैं और भी प्रार्थना करूंगा, आपको और शक्ति चाहिए, आप ग्रस्त आश्रम में है, आपको बड़ी शक्ति चाहिए। जरा जो अच्छी सेहत वाले होते हैं उनका एक दो सेटल से सर्दी में काम बन जाता है, लेकिन जो दुबले पतले हो उनको काफी कपड़े पहनने पड़ते हैं। सचमुच मेरे सजनों मेरे देवियों, आप धर्म में दुबले पतलियां हैं, आप जो है ना धर्म में दुबले पतले, इसलिए मेरे भगवान की ज्यादा शक्ति आपको चाहिए। यूं रो रो के कह दिया करो, प्रभु हम तो कलयुग जीव है और कलयुग फिर गृहस्थी है, हमें ज्यादा ताकत प्रदान करो। प्रभु हम ध्रुव नहीं, हम प्रहलाद नहीं, हम विवेकानंद नहीं, हम स्वामी रामतीर्थ नहीं है, हम तो एक साधारण से जीव है, बिल्कुल साधारण है मेरे प्रभु, हमें ज्यादा ताकत दो। ऐसे गिर गिर आके रो पड़ा करो मेरी देवी, रोना तो आपको बात बात में आता है, अब वो अपना बात बात में रोना इधर लगाओ भगवान की ओर, बड़ी दया कर देंगे मेरे प्रभु आप पर। प्रभु आप मेरे पर कृपा करो, मैं तो गृहस्थी हूं और कलयुग जीव हूं, आहा मेरे पर कृपा करो प्रभु, मेरा मन मजबूत कर दो, मैं और भी योग में रुचि लूं, जाप में रुचि लूं, धर्म कार्यों में रुचि लूं, आपकी गीता को समझ करके अपनाने में रुचि लूं। ऐसा कहो मेरे बच्चे, बार बार कहो भगवान से गिर गिड़ा के, जरूर सुनेंगे मेरे प्रभु, जरूर सुनेंगे। वो सुनी अनसुनी नहीं कर सकते, संसार में कोई सुनी अनसुनी कर देगा पर मेरे मालिक को सुनी अनसुनी नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। आओ ना मेरे साथ रंग के भगवान से प्रार्थना करें, फिर आरती उतारे। हे मेरे मालिक, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे अंतर्यामी, तुझे क्या कहूं मेरे इष्टदेव, तेरे सामने मेरा हाल है, तुझे क्या कहूं मेरे इष्टदेव, मेरे साथ ओ तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है, मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा
तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हाय बड़े प्रेम से, तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। और तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हाय और तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, और तेरे सामने मेरा हाल है। रिझाओ मालिक को रिझालो, तरीके में सिखाता हूँ, करने वाले बनो। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या, बड़े प्रेम से शामिल हो जाओ, रल मिल के आओ भगवान को रिझाले। और तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। अजी अजी तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हाय जय हो मालिक, जय हो। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भद्राणि हरिओं शांति 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 ओम प्रभो इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसने हार्दिक धन्यवाद।